हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल ही ढाबा स्टाइल में दाल मखनी की रेसिपी। और इसको हम बनाएंगे सिर्फ घर में जो चीज़ें हमारे किचन में आसानी से मिल जाएंगी उन्हीं चीज़ों से हम बनाएंगे। इसके लिए हमें बाहर से कोई भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसका टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा कि हम ढाबे में या रेस्टोरेंट्स में दाल मखनी खाते हैं। तो चलिए फिर हम बनाते हैं इसको। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दाल मखनी बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले हम लेंगे उड़द की दाल। वैसे तो ये खड़ी उड़द से बनती है लेकिन हमारे पास जो किचन में चीज़ें होंगी हम उन्हीं से बनाएंगे। और इसके लिए हमें एक काली वाली दाल चाहिए। इसकी एक हरी दाल आती है वो हम नहीं लेंगे, हम इसकी सिर्फ काली वाली दाल को ही यूज़ करेंगे। और इसको अब हम अच्छे से दो तीन पानी में अच्छे से वॉश कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे राजमा, और राजमा करी मैंने यहाँ लिया था एक बड़ी चम्मच, और इसको भी मैंने भिगो दिया था जिससे कि ये क्वांटिटी में फूल के डबल हो गया है। तो इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और अगर हम खड़ी दाल से बनाएंगे तो हमें दाल को भी भिगोना पड़ता है खड़ी उड़द को, और अगर सिर्फ दाल यूज़ कर रहे हैं तो उसको हमें भिगोने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ मैंने करीब 4 कटोरी पानी लिया था जिससे कि हमारी दाल अच्छे से गल जाए। अब हम इसमें डालेंगे नमक, और इसमें 6 से 7 कलियां लहसुन की, और 1 चम्मच के करीब इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, और इसको हम राजमा गलने तक अच्छे से पका लेंगे। मैं दाल को अच्छे से गलाना है पूरा, और राजमा को भी गलाना है। तो और अब हम यहाँ पे चढ़ाएंगे एक कढ़ाई या पैन, उसमें हम डालेंगे करीब 2 बड़े चम्मच घी, और उसमें डाला है मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन अच्छी तरह से भुन जाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर की प्यूरी। तो ये मैंने 4 टमाटर को पीस के इसकी प्यूरी तैयार कर ली थी, और इसको भी हम इसमें अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ देखिए टमाटर हमारा अच्छे से भुन गया है, इसने तेल अलग कर दिया, छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें अपनी दाल को मिक्स कर देंगे, जो दाल हमने पका के रखी थी उसको इसमें हम मिक्स कर देंगे, और इसको हमें लगातार चलाते हुए इसी तरह से खूब घोटना है जिससे कि राजमा हमारा है और दाल अच्छे से मिक्स हो जाए। मैं इसको जितना घोट सकते हैं आप उतना घोटिए। और अब हम इसमें डालेंगे बटर। तो यहाँ पे 2 चम्मच के करीब मैंने मक्खन लिया है, और इसको दाल में हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप अगर ज़्यादा मक्खन पसंद करते हैं तो इसमें मक्खन और भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च जिससे कि हमारी दाल को एक अच्छा सा कलर मिल जाए। इसको हमें लगातार इसी तरह चलाते रहना है। अब हम वापस से एक दूसरे पैन में घी गरम करेंगे, और इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी कसूरी मेथी और 1 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। और इस तड़के को हम अपनी दाल में मिक्स कर देंगे। तो तैयार हो गई हमारी दाल मखनी, और है ना इसको बनाना बहुत ही आसान, और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही पसंद आएगा सभी को। अब हम इसको क्रीम से इस तरह से डेकोरेट कर लेंगे। तो लीजिए तैयार हो गई हमारी दाल मखनी, और आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।